केएमसी कैंसर संस्थान, केएमसी हेल्थ सिटी, बागपत रोड, मेरठ, उत्तरी भारत का आधुनिकतम एवं अत्यंत सुरक्षित रोबोटिक रेडियोथेरेपी वाइटल बीम, जो साइबर नाइफ की तुलना में एकदम सही व सुरक्षित है। रैपिड आर्क से सुसज्जित संस्थान 24/7 हर प्रकार के कैंसर के ऑपरेशन, क्यूमोथेरेपी और प्रत्येक प्रकार की रेडियोथेरेपी व रेडियो सर्जरी उपलब्ध है। कैंसर को पहचानने के लिए आधुनिकतम पेट सिटी उचित शुल्क पर उपलब्ध है। यूपी में काबा का जवाब, यूपी में बाबा देकर फेमस हुई कवियत्री अनामिका जैन अंबर के कवि पति सौरभ जैन सुमन लगातार विवादों में घिरते जा रहे हैं। अब आरोप लग रहा है कि इन दिनों साइबर क्रिमिनल के फोन किसी भी तरह पैसे हड़पने के लिए अमूमन आते रहते हैं, लेकिन कवि सौरभ हर मामले को अक्षय जैन व सुदीप जैन की तरह मोड़ देते हैं। अक्षय जैन अरिहंत व सुदीप जैन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि 20 जून को सौरभ जैन आदि ने उन लोगों के खिलाफ फेसबुक पेज हैक करने का आरोप लगाते हुए आईटी के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करा दिया था। पुलिस ने भी दबाव में बिना जांच पड़ताल किए मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि यह मामला पहले साइबर क्राइम में जाता, जाँच होती और फिर लिप्तता होने पर मुकदमा दर्ज किया जाता। उन्होंने आरोप लगाया कि सौरभ जैन सस्ती लोकप्रियता व सिक्योरिटी पाने के लिए बराबर इस तरह की हरकत कर रहे हैं। इन लोगों ने यह भी कहा कि तुच्छ मानसिकता रखने वाले सौरभ अपनी मानसिक दिवालियापन का सबूत दे रहे हैं। इन्हीं हरकतों के चलते उन्होंने सौरभ जैन को 4 करोड़ रुपए का मानहानि का नोटिस भी जारी कर दिया है। आज विश्व भ्रमण संस्कृति संघ के राष्ट्रीय महामंत्री सुदीप जैन व संयोजक अक्षय जैन ने मीडिया से यह वार्ता की। देखिए इसी बाबत हम लोगों ने आज ये प्रेस वार्ता की है कि कल उनकी माताजी के पास एक फ्रॉड कॉल आया, हमें भी, और उसके बाद उनकी माताजी की तबीयत खराब हुई जिससे हमें भी चिंता है। परंतु आप भी संज्ञानित होंगे कि इस तरह की फ्रॉड कॉल जो है हमारे परिवार वालों के पास भी आती रही है और सभी के यहाँ कोई ना कोई इस तरह की फ्रॉड कॉल्स आती रही है, पर उस फ्रॉड कॉल को भी हमारे साथ जोड़ना ये उनके मानसिक दिवालियापन को दर्शाता है। अगर उनके मन में हमारे प्रति कोई घृणा है, कोई कुंठा है या हमारे किसी विचार से वो सहमत नहीं है, तो बेबुनियाद आरोप ना लगाएं, झूठे आरोप ना लगाएं। जिस विचारधारा से वो हमारी सहमत नहीं है, उस विचारधारा की लड़ाई लड़ें। इसी तरह से उन्होंने 20 जून 2024 को भी हमारे खिलाफ फेसबुक हैक करने का आरोप लगाते हुए सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जो भी उनकी बिल्कुल तथ्यहीन है, झूठी है, बेबुनियाद है। तो वो किसी ना किसी रूप से हमसे ईर्ष्यावश, कुंठावश और अपने आप को दर्शाते हैं कि भाई वो भाजपा के समर्थक हैं और हमको बताते हैं हम भाजपा के विरोधी हैं। मैं स्वीकार करता हूं मैं भाजपा की नीतियों से सहमत नहीं हूं, तो इसका मतलब यह है कि वो हमारे ऊपर झूठे आरोप लगाकर, झूठे मुकदमे दर्ज कराकर हमको आरोपित बनाएंगे। तो हमने देखे, पहले पिछले वर्ष उन्होंने नवम्बर में अपने घर पर एक पत्थर आने की घटना दी थी, जिसकी जाँच अभी चल रही है, अभी तक उसका पदक्षेप नहीं हुआ है। तो जिस तरह से वो बार बार अपने आप को असुरक्षा दिखाते हैं, अपने आप को असुरक्षित दिखाते हैं कि मुझे खतरा है, तो उनका मात्र एक उद्देश्य है कि वो जो है पुलिस सुरक्षा के लिए ये सब प्रपंच रचते हैं। देखिए, हमने जो है मानहानि का मुकदमा उनको 4 करोड़ का भेज दिया है और जो है वाद भी दायर हो गया, 9 अक्टूबर को उसकी तारीख है। तो हम एक सार्वजनिक रूप से यही बताना चाहते हैं और हम जानना चाहते हैं कि हमारे लिए ऐसे क्या सुरक्षा उपकरण हैं कि वो जिस तरह से हर बात का घटनाक्रम वो हमसे जोड़ देना चाहते हैं। अब हमारे अक्षय जी बताएंगे कल के घटनाक्रम से दोबारा से हमें आपके साथ क्यों जुड़ना पड़ा। सबसे पहले तो आप सभी मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है कि आप लोग हमारे बुलावे पर आए। कल सौरभ जैन जी की माता जी के पास एक फोन कॉल आती है और उस फोन कॉल पर यह कहा जाता है बकौल सौरभ सुमन के कि उनका बेटा किसी अपराध में लिप्त है जिसकी वीडियो पुलिस के पास है और वो अगर 1 करोड़ रुपए नहीं देते हैं तो वो वीडियो पुलिस के पास या पब्लिकली जारी कर दी जाएगी। और अब आपको एक छोटी सी बात मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले दिनों अनंत चतुर्दशी के पर्व पर भी सौरभ जैन जी ने इसी प्रकार से सदर जैन समाज के अंदर एक मामला उठाया और ये कहा कि मैं रथ के आगे आत्महत्या कर लूंगा और अपनी जान दे दूंगा, और उसके बाद फिर ये कहा कि मैं, मुझे अब जो है
एक इसका हिसाब किताब जैन समाज का मिल गया है, अब मेरी आत्महत्या कैंसिल हो गई है। इससे पहले जो डीपी जैन स्मारक का नवनिर्माण दोबारा से किया जा रहा था, उसमें भी उन्होंने समाज को गुमराह करने का प्रयास किया। समाज को गुमराह कर रहे हैं और सुर्खियों में बने रहने के लिए इस प्रकार का कार्य निरंतर कर रहे हैं। आगे हमारे महामंत्री श्री सुदीप जैन जी से मैं कहूँगा कि वो विस्तार से बताएं। देखिए, जहाँ तक उनकी मानसिकता का जो पता लगा है, वो स्वयं रचित विवादों में रहकर सिर्फ सस्ती लोकप्रियता हासिल करना ही उनका एकमात्र लक्ष्य बन गया है। जैसा कि अभी अक्षय जी ने बताया कि निरंतर किसी ना किसी घटनाक्रम में वो इस तरह से अपने आप को उलझाए रखते हैं। जो डीपी जैन स्मारक का भी एक मामला सदर में हुआ था, इसी तरह से उन्होंने जो इस घटनाक्रम की शुरुआत करी हमारे खिलाफ, वो 20 जून 2024 को उन्होंने सदर थाने में एक झूठी रिपोर्ट लिखाई। और रिपोर्ट भी क्या लिखाई कि उनका हिंदी साहित्य अकादमी का फेसबुक पेज हैक कर लिया गया है और जिसमें हम लोग शामिल हैं। और आश्चर्य की बात यह कि सदर थाने में ने भी बिना किसी आख्या के, बिना किसी विवेचना के, बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी तथ्यों के हमको नामजदगी कर ली, आज तक जिसका निस्तारण नहीं हुआ है। तो कभी जैन समाज को जोड़ लेते हैं कि ये जैन समाज को बदनाम कर रहे हैं, कभी ये जोड़ लेते हैं कि ये भाजपा को बदनाम कर रहे हैं। मैं कहता हूँ मैं भाजपा की नीतियों का विरोधी हूँ और ये अधिकार मेरे को भारतीय संविधान ने दिया है कि मैं किसी भी विचारधारा से सहमत हूँ या असहमत हूँ। ये अधिकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मौलिक अधिकारों के तहत प्रत्येक भारतीय को वरदान के रूप में दिया है। और RSS प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत जी ने भी अपने एक वक्तव्य में कहा था, परंतु ये इस तरह से विक्टिम कार्ड खेलकर ये दर्शाना चाहते हैं कि मैं भाजपा के लिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए गाना बजाना, नाचना कूदना करता हूँ तो मेरे को उनकी कोई कृपा मिल जाए, मेरे को उनकी कोई दया मिल जाए। अरे, आपको राजनीति करनी है तो खुले विचारों की कीजिए, विचारधारा की कीजिए। हमें से अगर आपको किसी विचार से आप हमारे सहमत नहीं हैं तो उस विचार का आप विरोध कीजिए, हमारे वक्तव्य का आप विरोध कीजिए, परंतु आप जिस तरह से विक्टिम कार्ड खेलकर आप अपने आप को भाजपाई दर्शा कर और हम गैर भाजपाई हैं इसलिए आप हम पर झूठे मुकदमे कायम करेंगे, तो क्या उनकी सहमति है कि जिस तरह से सौरभ जैन सुमन झूठे आरोप लगाकर झूठे मुकदमा दर्ज करा रहे हैं, क्या भाजपा इस बात से सहमत है? और मैं आपको बताऊं कि 20 जून 2024 को जब उन्होंने हमारे खिलाफ ये FIR दर्ज कराई तो हमने 10 दिन तक इंतजार किया कि शायद किसी के बहकावे में आकर, ईर्ष्यावश, कुंठित होकर, बहकावे में आकर, उकसाए में आकर, दबाव में आकर किसी भी तरह से उन्होंने अगर ये कार्य किया होता तो शायद उनको समझ आ गई होती और उन्होंने जो है अपना ये कदम वापस ले लिया होता। तो जब उन्होंने 10 दिन तक नहीं लिया तो 30 जून को हमने एक प्रेस वार्ता कर उनके इन सब आरोपों का के बाद दुष्प्रचार के बारे में बताया था और हमने उन्हें मानहानि का नोटिस भेजा था कि अगर तय सीमा के अंदर वो माफ़ी नहीं मांगते तो विधिक कार्रवाई की जाएगी। कि मैंने आपको मोक्ष सप्तमी पर कॉल किया था किंतु संभवतः आप व्यस्त हों, फ़ोन उठा नहीं। तो मोक्ष सप्तमी पर उन्होंने फ़ोन किया था, उसके बाद मैंने नहीं उठाया तो वो क्या लिखते हैं अपनी एक फेसबुक पर कि मैंने मोक्ष सप्तमी पर फ़ोन क्यों किया था? समाज में तो भ्रमित कर रहे हैं कि मैंने निस्तारण करने के लिए फ़ोन किया था, मैंने क्षमा मांगने के लिए फ़ोन किया था, परंतु फेसबुक वॉल पे क्या लिखते हैं कि भगवान पार्श्वनाथ निर्माण महोत्सव में मना रहा था बड़ेगांव में और सुदीप जी श्री सामने शिखर जी में, मुझे लगा अपने पुराने मित्र हैं, भूल किसी से भी हो सकती है, क्षमा कर देना बड़ा काम है, मैंने उसी भाव से कॉल किया। यानी कहीं तो ये भ्रमित कर रहे हैं कि मैंने क्षमा मांगने के लिए फ़ोन किया और यहाँ ये अपना बड़प्पन दिखा रहे हैं कि मैंने क्षमा करने के लिए फ़ोन किया। तो इस तरह का कपटीपन, इस तरह का छलपन जो है उनके रग रग में बसा हुआ है, इससे हम लोग बड़े खिन्न हैं और हम शासन से, प्रशासन से ये मांग करते हैं कि इन सब मुद्दों की गहनता से जाँच हो और जिस तरह से इनका ये मानसिक दिवालियापन दिखाई दे रहा है उसके संदर्भ में भी हम जानना चाहेंगे और हम भी सुरक्षा मानना चाहेंगे कि जिस तरह से ये बार बार किसी भी घटनाक्रम पर हमारा मानसिक उत्पीड़न करते हैं उसका क्या बचाव है। और मैं आपको बताऊं ये किस किस तरह की जो है हमेशा से ही कोई ना कोई एक तरह का धार्मिक उन्माद फैलाकर, वैमनस्यता फैलाकर, एक इन्होंने 11 अप्रैल को ईद पर जो बधाई दी, श्री राम वालेकुम ईद मुबारक, ईडी मुबारक हाँ, श्री राम वालेकुम ईडी मुबारक, तो ये ईद का अपमान कर रहे हैं, भगवान श्री राम का अपमान कर रहे हैं या ऊपर वाले अल्लाह मियाँ का अपमान कर रहे हैं, किसका अपमान कर रहे हैं?
इस तरह की घृणित मानसिकता ने हमारे देश के सौहार्द को सांप्रदायिक जो एक सांप्रदायिक वैमनस्य जो बढ़ रहा है उसको बढ़ावा देने का काम करती है और सिर्फ विक्टिम कार्ड खेलकर अपने आप को सुरक्षित महसूस सुरक्षा का महसूस कराकर कृपा बंदी का काम करना चाहती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।